अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों अपना जाती एक्सपीरियंस देखकर मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। अगले 5 साल पाकिस्तान की मौशत बहुत ही सख्त तरीन होने वाली है, बहुत ही कठिन होने वाली है। अपनी सेविंग अभी से स्टार्ट कर दें, आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों की बचत करें, अपनी सेविंग करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आने वाले 5 दिन पाकिस्तान 5 साल पाकिस्तान के लिए बहुत ही सख्त तरीन होने वाले हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के गरीब अवाम कितने पिस चुके हैं इस महंगाई में, और पाकिस्तान की मौशत को आप खुद देख लें, पेट्रोल कितना महंगा है, डॉलर्स कहां से कहां आसमान तक पहुंच चुका है। तो अभी से अपनी सेविंग स्टार्ट कर दें। कोई भी, मैं अपना ये फ्रेंकली कह रहा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस देख के कह रहा हूँ, कोई भी पार्टी आ जाती है, चाहे नवाज शरीफ आ जाए, जरदारी आ जाए, इमरान खान आ जाए, इनमें से कोई भी ऐसा 30 मार्फा नहीं है कि आते ही पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कर देगा, क्योंकि आपने देखा है कि पाकिस्तान की मईशत कहां से कहां जा चुकी है। अगले 5 साल बहुत ही सख्त तरीन होने वाले हैं। अगर अभी से आप अपनी सेविंग स्टार्ट कर देंगे तो आपके अगले 5 साल बेहतर गुजर जाएंगे। अपने घर में सोलर पैनल को लगवाएं और इस महंगी बिजली से छुटकारा हासिल करें। हमने अपने घर में 4-5 साल पहले ही सोलर पैनल लगवा लिया था और अब मेरे ख्याल में उसकी कॉस्ट डबल से भी ट्रिपल हो चुकी है। और छोटी छोटी चीज़ों में बचत करना स्टार्ट करें, जैसे कि ऐसी बाइक और गाड़ी को यूज़ करें जिसकी जो पेट्रोल जो तेल की एवरेज बहुत कम है, और इसके अलावा घर में फजूल खर्ची और इसके अलावा बिजली में आप ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे का पंखा चलाकर बैठें, बाकी कमरों की लाइट्स और पंखे वगैरह बंद करें। इससे आपकी सेविंग होगी, आपका एक तो बिजली का बिल कम होगा, एक दूसरे नंबर पे आपकी सेविंग होगी। और इसके अलावा अगर आपने अजाशी के लिए कुछ ऐसा बजट रखा है जिसको हम फजूल खर्ची भी बोलते हैं, उसको भी कम कर दें, क्योंकि यही सेविंग आगे आपके काम आने वाली है। तो दोस्तों मैं किसी ये वीडियो किसी पॉलिटिशियन के लेकर नहीं बना रहा, ना ही किसी पार्टी को लेकर बना रहा हूँ। मैंने सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को देखा है, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी से अपनी सेविंग स्टार्ट करें ताकि आप पर आने वाले दिन बेहतर गुजर सकें। थैंक यू।